तो दोस्तों आज है मेरे पास वन प्लस नॉर्ड और सैमसंग गैलेक्सी M31S पबजी टेस्ट के लिए। सबसे पहले दोनों ही डिवाइसेस पर यहाँ गेम लॉन्च करके देखते हैं कि किस डिवाइस पर गेम जल्दी लोड होता है। अगर वर्जन की बात करें तो वन प्लस नॉर्ड का है मेरे पास 8 GB रैम 128 GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन, वहीं गैलेक्सी M31S का है 6 GB रैम 128 GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन। तो सेम टाइम पर मैंने यहाँ दोनों ही डिवाइस पर क्लिक किया है, लेकिन यहाँ वन प्लस नॉर्ड पर गेम ज़्यादा तेज़ी से लोड हो रहा है एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी M31S। इसके अलावा अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो M31S में आपको मिलता है एक्सिनोस का 9611 प्रोसेसर, वहीं वन प्लस नॉर्ड में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 765 प्रोसेसर। तो यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस पर प्रोसेसिंग चल रही है, वन प्लस नॉर्ड अभी गैलेक्सी M31S से आगे है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हो वन प्लस नॉर्ड पर गेम जल्दी लोड हो गया एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी M31S। अब दोनों ही डिवाइसेस पर गेम प्ले करने से पहले देखते हैं कि सपोर्टेड ग्राफिक्स आपको क्या मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गैलेक्सी M31S के बारे में। तो यहां पर आपको HDR का सपोर्ट मिल जाता है, वन प्लस नॉर्ड की बात करें तो HDR का सपोर्ट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। फ्रेम रेट की बात करें तो M31S पर स्मूथ ग्राफिक्स पर एक्सट्रीम फ्रेम रेट का सपोर्ट है, वहीं वन प्लस नॉर्ड पर स्मूथ ग्राफिक्स पर अल्ट्रा फ्रेम रेट का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। यानी ग्राफिक सपोर्ट और फ्रेम रेट सपोर्ट में गैलेक्सी M31S वन प्लस नॉर्ड से बेहतर है। तो पहले ये गेम प्ले करके देखते हैं वन प्लस नॉर्ड पर और देखते हैं क्या परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिलने वाली है। क्या M31S से बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी या सेम देखने को मिलेगी, या फिर M31S यहाँ पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा एज़ कम्पेयर टू वन प्लस नॉर्ड। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि वन प्लस नॉर्ड पर यह गेम सबसे पहले मैं हाईएस्ट ग्राफिक्स सेटिंग्स पर प्ले कर रहा हूँ, यानी कि हाई ग्राफिक्स, हाई फ्रेम रेट और रियलिस्टिक स्टाइल पर। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हो हाई ग्राफिक्स पर वन प्लस नोट पर आपको ग्राफिक्स एकदम कमाल के देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहां पर आपको एमुलेट पैनल दिया गया है, ऊपर से आपको GPU मिलता है एड्रिनो 620 GPU। तो कमाल के ग्राफिक्स यहां देखने को मिलते हैं, किसी तरह का कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है हाई ग्राफिक्स पर, सॉरी हाई फ्रेम रेट पर मैं ये गेम प्ले कर रहा हूँ, तो यहाँ किसी तरह का आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। गेम एकदम स्मूथ तरीके से यहाँ रन हो रहा है, किसी तरह का कोई लैग नहीं है, ग्राफिक्स भी एकदम कमाल के हैं। इसके अलावा टच रेस्पॉन्स भी वन प्लस नॉर्ड का एकदम कमाल का है। हाई ग्राफिक्स पर जो आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब अल्ट्रा फ्रेम रेट और एक्सट्रीम फ्रेम रेट जैसी एकदम सुपर स्मूथ परफॉर्मेंस तो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको हाई ग्राफिक्स पर हाई फ्रेम रेट का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। ओवरऑल हाई ग्राफिक्स पर आप वन प्लस नॉर्ड पर ये गेम बड़े आराम से प्ले कर सकते हो, अगर आप एकदम कमाल के ग्राफिक्स के साथ ये गेम अपने डिवाइस पर प्ले करना चाहो तो। अब एक बार इस गेम को प्ले करके देखते हैं स्मूथ ग्राफिक्स और अल्ट्रा फ्रेम रेट पर। स्टाइल अभी भी रियलिस्टिक है, देखते हैं कि क्या सुपर स्मूथ परफॉर्मेंस यहां देखने को मिल सकती है वन प्लस नॉर्ड पर। तो भाई जैसा कि आप यहां देख सकते हो ग्राफिक्स पहले जितने अमेजिंग तो नहीं है, लेकिन स्मूथ ग्राफिक्स के हिसाब से भी यहां ग्राफिक्स अभी भी काफ़ी कमाल के हैं, स्टाइल अभी भी मैंने रियलिस्टिक रखा है। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, क्योंकि पहले हाई ग्राफिक्स पर हाई फ्रेम रेट का सपोर्ट था, जबकि यहाँ पर आपको मिलता है अल्ट्रा फ्रेम रेट का सपोर्ट। स्कोप से जूम इन जूम आउट करने पर किसी तरह का कोई लैग नहीं, किसी तरह का कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं,
तो आप अपने वन प्लस नोट पर ये गेम सुपर स्मूथ तरीके से अल्ट्रा फ्रेम रेट और स्मूथ ग्राफिक्स पर प्ले कर सकते हो। अब इस गेम को प्ले करके देखते हैं M31S की हाईएस्ट सपोर्टेड ग्राफिक्स पर, यानी कि HDR ग्राफिक्स अल्ट्रा फ्रेम रेट रियलिस्टिक स्टाइल पर। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो भाई, ग्राफिक्स तो आपको यहाँ एकदम अमेजिंग मिलते हैं, रियलिस्टिक मिलते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस अल्ट्रा फ्रेम रेट पर मिलनी चाहिए बिना किसी लैग के, बिना किसी प्रॉब्लम के, वो यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। अल्ट्रा फ्रेम रेट पर बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिल रहा है। तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि HDR का यहाँ आपको कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो अब ग्राफिक्स सेटिंग थोड़ी सी कम करते हैं, अब इस गेम को प्ले करके देखते हैं बेलेंस ग्राफिक्स अल्ट्रा फ्रेम रेट और रियलिस्टिक स्टाइल पर। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हो, बेलेंस ग्राफिक्स पर आपको ग्राफिक्स उतने ज़्यादा अमेजिंग देखने को नहीं मिलेंगे जो HDR ग्राफिक्स पर थे, लेकिन परफॉर्मेंस यहां अभी एकदम कमाल की है। बेलेंस ग्राफिक्स और अल्ट्रा फ्रेम रेट पर आप अपने गैलेक्सी M31S पर ये गेम बड़े आराम से प्ले कर सकते हो। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि जो अल्ट्रा फ्रेम रेट पर परफॉर्मेंस आपको स्मूथ ग्राफिक्स पर वन प्लस नोट पर देखने को मिली थी, वो परफॉर्मेंस यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक तो ग्राफिक्स भी आपके बेलेंस हैं, वहाँ पर स्मूथ ग्राफिक्स पर ये गेम प्ले किया गया था। इसके अलावा बीच बीच में यहाँ पर थोड़ा बहुत लैग भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब इस गेम को गैलेक्सी M31S पर लोएस्ट सपोर्टेड ग्राफिक्स पर प्ले करके देखते हैं कि वहाँ आपको कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, यानी कि स्मूथ ग्राफिक्स, एक्सट्रीम फ्रेम रेट और स्टाइल अभी भी रखते हैं रियलिस्टिक। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हो, एक्सट्रीम फ्रेम रेट पर गेम चल रहा है एकदम सुपर स्मूथ, बिना किसी लैग, बिना किसी प्रॉब्लम के। ग्राफिक्स अभी आपको इतने अमेजिंग देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि यहां पर ग्राफिक्स सेट कर दिए हैं स्मूथ पर, लेकिन स्मूथ ग्राफिक्स के बावजूद भी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है। और मैं बस यही बोलूंगा कि एक्सट्रीम फ्रेम रेट पर आप अपने गैलेक्सी M31S पर ये गेम बिना किसी लैग, बिना किसी प्रॉब्लम के प्ले कर सकते हो। अब यहाँ पर वन प्लस नोट और गैलेक्सी M31S को कंपेयर करें तो सेम ग्राफिक्स सेटिंग्स, यानी कि स्मूथ ग्राफिक्स और रियलिस्टिक स्टाइल पर जो ग्राफिक्स आपको वन प्लस नोट पर देखने को मिलते हैं, गैलेक्सी M31S पर आपको उतने अमेजिंग ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन सेम ग्राफिक सेटिंग्स पर अब क्योंकि M31S पर आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट का सपोर्ट मिलता है, तो जो स्मूथ परफॉर्मेंस आपको गैलेक्सी M31S पर देखने को मिल जाएगी, वो आपको वन प्लस नोट पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर आपको केवल अल्ट्रा फ्रेम रेट का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन पबजी के लिए मैं यही बोलूंगा कि दोनों ही डिवाइसेज एकदम अमेजिंग हैं। इसके अलावा एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स पर अगर नजर डालें तो वहां पर वन प्लस नोट गैलेक्सी M31S से बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है गेम परफॉर्मेंस में। तो यही था मेरा गैलेक्सी M31S और वन प्लस नोट के बीच गेमिंग का कंपैरिजन, या फिर कहें पबजी का कंपैरिजन। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन हिंदी। अगला वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।